और सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो इस तरह की बातें कल तक जिस पर जबरदस्त राजनीति हो रही थी, कहा यह जा रहा था कि इस फैसले को तुरंत योगी सरकार वापस ले, लेकिन हम आपको बता दें कि अब एक बड़ा फैसला सीएम योगी की तरफ से और कांवड़ यात्रियों के भी विचारों को उन्होंने सुना। कांवड़ यात्रियों ने भी इसमें अपनी बात रखी है। अब इस पूरे मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। संकेत इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कल तक इस पर खूब राजनीति हुई, फैसलों पर सवाल उठाए गए, फिर कहा गया कि शायद फैसला वापस ले लिया जाए, दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन अब यह तय हो गया है कि जो भी वहां पर सामान बिकेगा, खासतौर पर जो कांवड़ का रूट तय किया गया उसमें नाम लिखना जरूरी है। है कि ये जिस तरीके से कल से इस पर विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर लगातार आरोप लगा रही थी, आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सख्त निर्देश दिए हैं कि सीएम योगी ने कहा है कांवड़ यात्रियों के जो मार्ग होंगे वहां पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक और मालिक का नाम लिखना पड़ेगा। कांवड़ यात्रियों की ये आस्था और शुचिता बनाए रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कल विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पर आकर सीधे तौर और संकेत कल तो ये भी कहा गया था कि जब हलाल सर्टिफिकेशन मिल सकता है तो फिर जहां पर पूजा पाठ हिंदू आस्था से जुड़ा मामला है वहां पर क्यों ना ये बताया जाए कि कौन सा व्यक्ति है, क्या चीज वहां पर प्रोडक्ट बिक रहा है। जाहिर सी बात है, यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मार्गों को पवित्र साफ सुथरा रखने के लिहाज से सीधे तौर पर कहा है कि कांवड़ यात्रियों की जो आस्था है और उसकी शुचिता को बनाए रखना है और उसको लेकर सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि उस मार्ग पर यानी कि कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर सीधे तौर पर मालिक को अपना नाम और अपनी पहचान साफ तौर पर लिखनी होगी। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट अगर बेचे गए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन मार्गों पर ऐसे हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट भी पड़ताल की जाएगी। स्थानीय प्रशासन को सीधे तौर पर सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है कि संचालक और मालिक का नाम पहचान लिखना होगा कांवड़ मार्गों पर। जहां पर नाम और पहचान लिखा नहीं मिलता है ऐसे संचालकों पर सख्त कार्रवाई। बिल्कुल, तो अब ये क्लैरिटी हो गई है कि जो कांवड़ रूट है वहां पर जो भी प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, खाने पीने का सामान बेचा जाएगा, वो सब कुछ लिखा होना चाहिए। मालिक कौन है, क्या प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, इन सब को लेकर कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने बड़ा फैसला दे दिया है। अब इस कांवड़ रूट पर जो भी सामान बेचा जाएगा उसकी पूरी जानकारी लिखी जाएगी। हालांकि ये पूरा मामला विवादों में था और विवादों में रहने के बाद भी अब योगी सरकार इस फैसले को से पीछे नहीं हट रही है। हालांकि पहले ही कहा गया था कि पुलिस प्रशासन ने कहा है कि वो अपने कदम पीछे नहीं लेगी। अब योगी का कांवड़ को लेकर एक बड़ा कदम है, क्योंकि हमने कुछ कांवड़ियों की बातें भी सुनी थी, उनका भी ये कहना था कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी रूट पर क्या खाना पीना मिल रहा है। अगर हम प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या खाना मिल रहा है, कौन क्या खाना परोस रहा है, अगर वहां पर कोई गड़बड़ी होती है तो हम उसकी पहचान कर सके, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसीलिए तमाम कांवड़ियों ने भी अपनी बात रखी थी। और अब स्पष्ट हो गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो रूट बनाया गया है उसमें अगर कोई भी खाना पीना वहां पर कोई भी स्टॉल होटल दुकान रेडी लगाते हैं तो वो अपना दुकान का नाम जरूर लिखे, ओनर का नाम लिखे, क्या वहां पर मिल रहा है वो भी बताएं और उसके बाद ही वहां पर वो अपनी दुकान लगा सकते हैं, वरना ऐसे दुकानों को चिन्हित किया जाएगा। तो तमाम विवादों के बाद भी सरकार का जो फैसला है उस फैसले पर सरकार कायम है। उन्होंने कहा है कि दुकान संचालक को अपना नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हिंदू आस्था का सवाल है। हिंदुओं ने कई बार इससे पहले भी देखा गया, जिस तरह से हम सहारनपुर के
डीआईजी की बात सुन रहे थे, उनका कहना था कि चूंकि खाने पीने को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है कांवड़ियों और दुकान संचालकों के बीच में, इसी विवाद को खत्म करने के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसी को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया। और अब सीएम योगी ने कांवड़ रूट को लेकर ये बात स्पष्ट कर दी है कि अगर आपको वहां दुकान लगाना है तो वहां पर आपको अपना नाम लिखना जरूरी होगा।